गवर्नमेंट की ड्यूटी बचाने के लिए लोग अंडर इनवॉइसिंग करते हैं, यानी माल खरीद की असल कीमत से कम में बिल बनवाते हैं, जिससे ड्यूटी कम देनी पड़ती है। इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। अब ये है तो धोखे की एक सूरत ही है, गलत बिल बनवाना खाली यही नहीं है, और मामला भी है। जैसे छोटे तौर पे भी होता है, नौकर होता है, वो माल लेने जाता है तो वो जितने का लिया उससे वो ज्यादा के बिल बनवाता है ताकि उतने वो ले सके, तो ये जो जायद लिए ये भी हराम है उसके लिए। यहाँ दूसरी सूरत है कि ये कम का बिल बनवाते हैं, कम शो करते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट को ज़ाहिर धोखा दे रहे हैं, और धोखा धोखा है। हदीस पाक में जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं, तो इसलिए जो भी ताजिर ऐसा करते हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोलेंगे हमको ड्यूटी बहुत ज्यादा डाल देते हैं, ये बोलेंगे कि अगर सच बोलो तो यूं करते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं, दोस्त फिर उस अंबिया सिद्दीकीन शोहदा के साथ उठना भी है ना अपने को, तो ये सच बोलेंगे तो होएगा ना। सिक्कों की मोहब्बत में ड्यूटी बचाने के लिए झूठ बोलेंगे तो फिर वो शहादत खतरे में ना। वो बड़ी दौलत है जिसको हमें लेना है, ये थोड़ी बहुत दौलत अगर दुनिया की नफे में नुकसान होता है, नफे में नुकसान कर देंगे। प्यारे बाबा जान, कारोबार में बेहतरी पर अपना कमाल समझना कैसा? अगर हलाल रोजी में इसके बरकत हुई है तो जाहिर इसको अपना कमाल ना समझे, रब्बे जुल जलाल का करम समझे, और अगर हराम रोजी में इसके इजाफा हुआ है तो जाहिर इसको अल्लाह ताला की तरफ तो मनसूब कर ही नहीं सकते, तो इसको अपनी शामत अमाल तसव्वुर करे कि मेरी चालाकियों की वजह से ऐसा हुआ है कि मैंने धोखा दिया, और इस तरह बेईमानी जिसको हम उर्फ में बोलते करके ये दौलत जमा की है। तो ये दोनों सूरतें इसकी, वो है ना कि जो अच्छा है वो मेरी तरफ से, यानी जो अच्छा होता है इसके लिए बोलते हैं हाजा मिनल्लाह तआला, और जो बुरा होता है इसके लिए बोलते हैं हाजा मिन्नी व मिन्न शैतान। जो बुरा होता है उसके लिए बोलते हैं कि ये मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। वल्लाहु तआला अअलमु व रसूलुहु अअलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुर्शिदा।